गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस आई आर बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग स्टडी करेंगे, वो हम लोग टी डब्ल्यू एंगल्समैन एक्सपेरिमेंट के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट देखा था। ठीक है, तो इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने क्या देखा था, इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा था कि सनलाइट नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर एक्वाटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस जब करता है तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या होता है, ऑक्सीजन का बबल भी इवॉल्व होता है। ठीक है, वो जो ऑक्सीजन का बबल जो इवॉल्व हो रहा है वो कब हो रहा है, हम लोग बोलेंगे जब फोटोसिंथेसिस प्लांट कर रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, ये बताया था इंजन हाउस ने। लेकिन आज हम लोग बोलेंगे कि इंजन हाउस का एक्सपेरिमेंट ये बोल रहा है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ फॉर द फोटोसिंथेसिस। लेकिन टी डब्ल्यू एंगल्समैन है, ये बता रहा है कि हम लोग बोलेंगे कि सनलाइट तो चाहिए ही चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन सनलाइट के किस लाइट में हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ये बताता है हम लोग बोलेंगे टी डब्ल्यू एंगल्समैन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अभी तक जितना भी साइंटिस्ट था उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने ये बताया था कि सनलाइट बिल्कुल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन टी डब्ल्यू एंगल्समैन ने यह बताया कि सनलाइट में भी और भी बहुत सारा लाइट्स होता है जिसपे हम लोग बोलेंगे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आज, या हम लोग बोल सकते हैं कि टी डब्ल्यू एंगल्समैन का एक्सपेरिमेंट ही यही था। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि टी डब्ल्यू एंगल्समैन क्या एक्सपेरिमेंट किया, ये तो अभी हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन ये उन्होंने क्या बताया, अपने एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा हम लोग बोलेंगे ब्लू और ब्लू एंड रेड लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, और ये जो ब्लू एंड रेड लाइट पे जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो एक्शन स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, एक्शन स्पेक्ट्रम हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस है जो कि हम लोग बोलेंगे ब्लू एंड रेड लाइट पे होता है, यही बताया हम लोग बोलेंगे टी डब्ल्यू एंगल्समैन ने। ठीक है, तो ये उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ग्रीन एल्गी लिया। ग्रीन एल्गी में हम लोग बोलेंगे क्या एग्जांपल था, तो कैलाडोफोरा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे क्या लिया, ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया लिया, या हम लोग बोल सकते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया होता है जो कि हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का यूटिलाइज करता है। ठीक है, देखो लोअर जो बुक्स है ना, लोअर बुक्स में हम लोग बोलेंगे ग्रीन एल्गी कैलाडोफोरा को मतलब एंगल्समैन एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया। लेकिन जब आप लोग हायर बुक्स स्टडी कीजिएगा तो यहाँ पर कैलाडोफोरा की जगह स्पाइरोगायरा लिखता है, स्पाइरोगायरा। ठीक है, दोनों सही है। ठीक है, स्पाइरोगायरा या कैलाडोफोरा दोनों को दोनों हम लोग बोलेंगे कैसा एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया, एंगल्समैन ने क्या किया, ग्रीन एल्गी लिया या कैलाडोफोरा लिया, एंड हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन सिकिंग बैक्टीरिया लिया या एरोबिक बैक्टीरिया को लिया, इस चीज को दिमाग में रखना। तो ये अपने एक्सपेरिमेंट को सेटअप कैसे किया, देखो ये अपने एक्सपेरिमेंट को सेटअप कैसे किया, तो ये दो केस में किया, केस वन एंड केस टू। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप है केस वन एंड केस टू, इसको जानने से पहले हम लोग बोलेंगे आपको क्या जानना होगा, आपको जानना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या चीज होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये कुछ नहीं है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, ये एक तरह से सनलाइट है। क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये एक तरह से सनलाइट है। सनलाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सनलाइट को अगर हम लोग देखेंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखेंगे तो उसमें भी दो टाइप का लाइट आता है, सनलाइट में भी दो टाइप का लाइट आएगा, एक को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, विजिबल पार्ट, और एक को हम लोग बोलेंगे इनविजिबल पार्ट। ठीक है, सनलाइट में तो हम लोग बोलेंगे दो टाइप का लाइट आता है, एक वैसा लाइट जो हम लोगों को दिखाई देगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, विजिबल पार्ट या विजिबल रे, और हम लोग बोल सकते हैं दूसरा वैसा लाइट है सनलाइट में जो हम लोगों को नहीं दिखाई देगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनविजिबल रेज, या हम लोग बोल सकते हैं इनविजिबल पार्ट। ठीक है, तो वीपी का मतलब याद रखिएगा विजिबल पार्ट ऑफ सनलाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और आईवीपी का मतलब हो जाएगा इनविजिबल पार्ट ऑफ हम लोग बोलेंगे सनलाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इनविजिबल पार्ट में क्या क्या आएगा, तो याद रखना इंफ्रारेड आएगा, माइक्रोवेव आएगा और रेडियो वेव आएगा। ठीक है, ये इनविजिबल लाइट है, ये सनलाइट में ही प्रेजेंट होगा लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देगा। और क्या आएगा इनविजिबल रेज में, तो हम लोग बोलेंगे यूवी रे, एक्स रे, गामा रे, ये सब सारा का सारा इनविजिबल रेज है। और याद रखना ये लाइट हम लोग बोलेंगे इनविजिबल है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसमें कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इस चीज को याद रखना है। मतलब हम लोग बोलेंगे इनविजिबल पार्ट जो होता है सनलाइट का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसमें कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो
तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, ये कब होगा, तो ये किस लाइट में होगा, तो हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस हम लोग बोलेंगे विजिबल रेज जो होता है सनलाइट का उस पे ही फोटोसिंथेसिस होगा, जिसको विजिबल पार्ट बोलते हैं। तो अगर विजिबल पार्ट को अगर हम लोग और मैग्निफाई करके देखेंगे सनलाइट का, तो इसमें क्या दिखेगा, तो हम लोग बोलेंगे इसमें हम लोग बोलेंगे क्या दिखेगा हम लोग बोलेंगे बहुत सारा रेज दिखेगा। जैसे कि हम लोग बोलेंगे विबग्योर, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं, ठीक है, VIBGYOR विबग्योर, ये विजिबल पार्ट है सनलाइट का, यही हम लोगों को दिखाई देता है। और इसी लाइट पे हम लोग बोलेंगे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, विजिबल पार्ट पे ही फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, ठीक है, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं, ठीक है। ये जो विबग्योर ये विजिबल पार्ट है, इसी लाइट पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इसीलिए विबग्योर को या विजिबल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, PAR पार भी बोलते हैं। पार का मतलब हो गया फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन, ठीक है। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन का मतलब ये हो गया कि ये वैसा पार्ट होता है सनलाइट का जिस पे हम लोग बोलेंगे क्या होगा, प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं, VIBGYOR विबग्योर। वी से क्या होगा, वायलेट, आई से क्या होगा, इंडिगो, बी से कौन सा लाइट आएगा, ब्लू, जी से क्या, ग्रीन लाइट, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से हम लोग बोलेंगे रेड लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वॉयलेट होता है, इसमें हम अगर इसका हम लोग वेवलेंथ देखेंगे तो वो क्या होता है, 390 होता है, और रेड लाइट का अगर हम लोग वेवलेंथ देखें तो कितना होता है, 700 नैनोमीटर होता है, 390 नैनोमीटर, और इस रेड लाइट का कितना होता है वेवलेंथ, हम लोग बोलेंगे 700 नैनोमीटर। इसका मतलब देखो ध्यान से कि हम लोग अगर इस तरफ बढ़ेंगे, किस तरफ से, अगर हम लोग गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल पार्ट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो, इस तरह बढ़ेंगे तो क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। वेवलेंथ इंक्रीज करेगा मतलब एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, अभी बस इतना याद रखना कि ये जो विजिबल पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का या सनलाइट का, उसमें ही हम लोग बोलते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता है, और वो विजिबल पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसी लाइट पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और क्या क्या लाइट इसमें आता है, तो हम लोग बोलेंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और हम लोग बोलेंगे रेड लाइट आता है, जिसमें से हम लोग बोलेंगे वायलेट जो होता है, इसमें हम लोग बोलेंगे इसका जो लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो 390 नैनोमीटर होता है, और हम लोग बोलेंगे जो रेड लाइट होता है इसका जो वेवलेंथ होता है, ये वेवलेंथ कितना होता है, 700 नैनोमीटर का होता है। तो अभी आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि ये जो विजिबल पार्ट है, विजिबल रे है, जिसको फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन बोल रहे हैं, इसी फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन में क्या होगा, प्लांट क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो एंगलमैन ने क्या बताया, एंगलमैन ने बताया जो विजिबल लाइट होता है, विजिबल पार्ट होता है, हम लोग बोलेंगे उसी पार्ट पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर भी देखो ध्यान से कि बहुत सारा लाइट है, जैसे कि वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, और रेड है। तो एंगलमैन ने ये बताया कि ब्लू लाइट में और जो रेड लाइट होता है उसमें हम लोग बोलेंगे कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, इस चीज को याद रखना। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, ये जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है रेड एंड ब्लू लाइट पे, जिसको एक्शन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, इसको ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया, कौन, हम लोग बोलेंगे TW एंगल्समैन। तो कैसे करके बताया, तो ये अपने एक्सपेरिमेंट के